अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ये कोर्स का जो है ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। ये अच्छा हमको सिखा रहा है, क्यूटेक्स ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग है। ये जो शुरू शुरू वाले है ना, इसमें आप लोगों को चाहे वो ट्रेडिंग फॉरेक्स हो, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी लेवल पे हो, बाइनरी ट्रेडिंग में मतलब आप लोगों को ये चीजें, हर ट्रेडिंग से पहले आप लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ती है। अच्छा ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऊंची नीची सी पहाड़ियां नजर आ रही होंगी, ठीक है, जिसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स है। इनको हम लोग फर्स्ट एक को क्या कहते हैं, कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। जो रेड कैंडल है ये हमारे सेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सेलर्स का जोर ज्यादा है मार्केट में, इसको एक को हम लोग जो है वो मार्केट कहते हैं, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग मार्केट का नाम देते हैं। तो ये जो अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स का जोर ज्यादा है, और अगर ग्रीन बनी है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का जोर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जो ऊपर हमें नजर आ रही है ये मार्केट्स है डिफरेंट, ये वाली। अगर हम लोगों ने इनके अलावा कोई मार्केट ओपन करनी है तो प्लस के निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मुख्तलिफ मार्केट्स हमारे सामने आ जाएंगी। और ये वाले जो है ना, ये 93% 93% इधर 90% 89% 87% ये जो है ये हमारे प्रॉफिट्स है कि इसी हिसाब से ये हमें प्रॉफिट्स देंगे। 93% प्रॉफिट, यानी 100% कोई मार्केट भी नहीं देते, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 93% है। अब हम लोगों ने ये वाली मतलब ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ये मार्केट ओपन की हुई है, तो इसके लिहाज से ये हमें 93% प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो चल रहा है ये देखें, यहाँ पे हमारे मिनट्स है कि ये जो कैंडल बन रही है एक मिनट में बन रही है कुछ, फिर ये देखें ये 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, मीन्स के ये जो सिस्टम है ये सारा ये हमारे है कि इस तरह से ये कैंडल्स बनेगी। इतने मिनट, जितने मिनट्स को हम लोग क्लिक कर लेंगे, जितने मिनट्स को हम लोग चूज कर लेंगे, उतने मिनट्स में ये एक कैंडल बनेगी, ठीक है। मैं मोस्टली जो है वो एक मिनट की कैंडल लेती हूँ और एक मिनट ही लेती हूँ यहाँ पे, कि जो एक मिनट में एक हमारी जो है वो ट्रेड, ये ट्रेडिंग टाइम होता है, ठीक है। ये स्विच टाइम यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये देखे एक मिनट आ गया है, और इसको आप लोग ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्विच टाइम करेंगे तो ये क्लॉक के हिसाब से टाइम आ जाएगा, यानी भी यहाँ पे अगर जब 30 सेकंड से अबव होता है ना, ये देखे 3:46:43 सेकंड, ठीक है। ये 30 सेकंड से अबव आता है तो नेक्स्ट मिनट स्टार्ट हो जाता है, यानी जब जब हम 30 सेकंड के बाद ट्रेड लगाएंगे तो वो नेक्स्ट मिनट यानी 1.5 मिनट के बाद या फिर जो भी जितने सेकंड इसके रहते हैं वो, और 1 मिनट आगे जाके ये कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से कोशिश ये करनी है कि जब यहाँ पे खत्म हो, यानी ये 3:48 हो, तभी फौरन हम लोग ट्रेड लगा दे, उसी हिसाब से हमें फिर ये सही पता चलता रहता है, ठीक है। उसके ये हमारी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर हम लोग यहां से देखें तो हम लोग इसको एरियाज ये देखें, ये हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये इससे देखने के क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट जो है ज्यादा ऊपर मतलब को जा रही है या नीचे को आ रही है या ऊपर नीचे आ रही है, ये चीज देखने के लिए होती है, वरना हम लोग मोस्टली ये जो है ये कैंडल से ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि हो क्या रहा है, मतलब ये कैंडल स्टिक्स जो है वो किस तरह से हो रही है, अगर हमें ये लग रहा है कि हमने जो नॉलेज लिया हुआ है कि उसके हिसाब से ये जो कैंडल्स है यानी ये जो ट्रेड है मार्केट है ये अपसाइड जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से अप की ट्रेड लगाते हैं, और अगर हमें ये लगता है कि ये डाउनवर्ड जाएगी तब हम लोग क्या करते हैं कि डाउनवर्ड की ट्रेड लगाते हैं, जिस तरह से ये अब इन्होंने ये बन रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये सब कुछ देखते रहते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि मुख्तलिफ तरह की मतलब ये जो जिसमें ये हमें जो नजर आ रही है ये कैंडल, ये देखिए इसकी शेप और तरह की, इसकी शेप और तरह की, ये डिफरेंट शेप्स है, इन शेप्स के भी क्या है मुख्तलिफ नाम है जो कि एक मुख्तलिफ काम को रिप्रेजेंट करता है। इनके नाम की वजह से फिर हम इनके कामों को देखते हैं और उन कामों की वजह से हम ये जो पूरा चार्ट है इसको स्टडी करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो उससे ये होता है कि फिर हम लोग प्रैक्टिस कर करके इतनी हम लोग विल पावर हो जाते हैं कि उसको जल्दी जल्दी हम लोग मतलब रीड आउट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट जो है वो ट्रेड कर लेते हैं, और अगर हम लोग इसको समझ के करेंगे तो हमारी जो ट्रेड है वो नेक्स्ट लाजमी विन होगी, ठीक है।
तो ये हम अभी हम लोगों ने जस्ट ये इसको थोड़ा सा देखा है कि आप क्यूटेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एक जो है कि ये देखें, यहाँ पे डिपॉजिट हम लोग कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ये हमेशा जब भी करना है तो डेमो अकाउंट पे आकर हम लोगों ने इसकी सारी वो करनी है, कि जिसको प्रैक्टिस कह सकते हैं, कभी भी लाइव अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करनी। यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अकाउंट है वो बनाना बहुत ईजी है, कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्यूटेक्स, ये देखे क्यूटेक्स जो है वो उसको हम लोगों ने सर्च किया, तो ये जो फर्स्ट वाली है इस क्यूटेक्स पे हम लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखे आप लोगों ने नियांग बनाना है तो अकाउंट, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करके यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डायरेक्ट गूगल पे अगर करेंगे तो आप लोगों का फिर भी ये साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के बस हम लोगों ने यही देखा है कि आप लोग कैसे क्यूटेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे आप लोग विदड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप लोग अकाउंट बना सकते हो, ये क्या क्या फंक्शन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग में इंशाल्लाह हम लोग इन कैंडल्स के नाम और कुछ वर्क हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतनी कैंडल्स है, सबके मुख्तलिफ काम है, ये सारी एक जैसी नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कंट्रोल कंट्रोल।